अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां के राजधानी भोपाल के गुफा मंदिर में सीएम शिवराज ने पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय का जाप किया। सीएम शिवराज ने कहा कि जिन हालात में पीएम को फ्लाईओवर पर गुजरना पड़ा, भगवान की कृपा रही कि वो सुरक्षित हैं। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि राजनीतिक विद्वेष इतना कैसे कि पीएम की जिंदगी से खेल जाए। कांग्रेस ने संघीय ढांचे को तार तार किया है। सीएम के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी उज्जैन पहुंचकर महाकालेश्वर मंदिर में पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की और महामृत्युंजय का जाप किया। आपको बता दें कि पंजाब के अंदर पीएम मोदी की यात्रा के अंदर सुरक्षा के जो है इशू आ गए थे और उसके बाद बीजेपी ने चिंता जताते हुए आज प्रदेश भर में महामृत्युंजय का जाप रखा, भोलेनाथ से प्रार्थना की दीर्घ आयु के लिए मोदी के और साथ ही साथ उनके रक्षा के लिए। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, गुफा मंदिर भोपाल की और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की, जहां पर पहुंचे थे वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष। वहीं प्रदेश के मुखिया ने भोपाल के गुफा मंदिर के अंदर महामृत्युंजय का जाप किया। इसके अलावा आपको बता दें कि देश भर में किस तरीके से आज बीजेपी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की रक्षा और दीर्घायु के लिए प्रार्थनाएं की गई, यज्ञ किए गए और महामृत्युंजय का जाप किया गया। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं आकाश विजयवर्गीय को, इंदौर की तस्वीर है जहां पर यज्ञ हुआ। वहीं विदिशा के अंदर भी हम देख सकते हैं पूजा पाठ और यहाँ पर जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना सभा रखी और यहाँ पर प्रार्थना की गई पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर। वहीं भोपाल की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई कि जहाँ पर सीएम पहुँचे थे और महाकाल मंदिर के अंदर पहुँचे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। लेकिन राजनीतिक विद्वेष इतना कैसा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री की जिंदगी से खेल जाए। कल जिन परिस्थितियों में उनको फ्लाईओवर पर रहना पड़ा, भगवान की कृपा है कि वो सुरक्षित है। पूरा देश चिंतित है। मैं मैडम श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक मतभेद ऐसा नहीं होता कि विद्वेष की अग्नि में आप जल उठो। संघीय ढांचे को आपने तार तार कर दिया, धज्जियां उड़ा दी उसकी और जानबूझ के खूनी खेल खेला। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि प्रधानमंत्री जी सुरक्षित है। उधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी बीजेपी के महामृत्युंजय जाप को नौटंकी बताया। उन्होंने कहा कि पीएम के सुरक्षा के लिए पूरी तरह से एसपीजी जिम्मेदार है, बीजेपी के लोगों को ऊपर वाले से डरना चाहिए। दुनिया में अगर नौटंकी पे कंपटीशन हुआ तो बीजेपी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। भाई वहाँ पे जो कुछ भी घटित हुआ, किसान अपनी बात रखना चाहते थे, वो बात सुनी नहीं गई। और वहाँ 700 कुर्सियाँ पे लोग बैठे थे, 70,000 खाली थी। तो इनका प्लान भी था कि वहाँ से कैसे निकल के आया जाए, ये था। और एसपीजी करती है प्रधानमंत्री के सब मामले, प्रेसिडेंट के, एसपीजी का पूरा होल्ड रहता है, कब्जा कर लेती है। जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ पूरा कब्जा हो जाता है, कोई पुलिस वुलिस सब बाहर हो जाती है वहाँ पे। तो एसपीजी क्या कर रही थी? कुल मिला के नौटंकी है। और महामृत्युंजय की बात कर रहे हैं, ऊपर वाला भी देख रहा है, रामलला देख रहा है, कृष्ण कन्हैया देख रहा है, ये उनसे तो डरो।